हेलो गाइस, आज मैं आप इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप एक प्रो प्लेयर की तरह अपने गेम की सेटिंग कर सकते हो। सो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आपको सेटिंग करनी है। पहले आपको सेटिंग खोलनी है, उसके बाद आपको कंट्रोल्स में जाना है, जिसमें आप कस्टमाइज़ करोगे अपने सेटिंग्स को। तो इस पर क्लिक करके आपको अपने जैसे आपको ठीक लगता है कि ऐसे आप कंफर्टेबल हो खेलने में, तो आप वैसे ही सेटिंग कीजिए। बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये मेरी एक ऐसा एग्जांपल है कि आप ऐसे सेटिंग कर सकते हो। सो चलिए आपको मैं बताता हूँ। पहले तो आप जो ये प्लेयर वाली है, आपकी प्लेयर की नेम लिस्ट होगी, इसको आप छोटा कीजिए थोड़ा सा। इसको यहाँ पे रखिए लेफ्ट साइड के कॉर्नर में थोड़ा सा, और अपने आप अपने मैप को राइट से लेफ्ट साइड लेके आइए, और इसका साइज भी छोटा कर दीजिए। ठीक है, और अपने फायरिंग रेट को आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, इसको आप छोटा कर देंगे थोड़ा सा। फिर आप मूव बटन को सेट करोगे, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लोगे इसका साइज। और नेक्स्ट आपको चेंज करना है आपका रिवाइव बटन। जो रिवाइव बटन होगा वो आपका यहाँ पे रहेगा राइट साइड के नीचे नीचे, और आप इस फायर बटन को राइट साइड के ऊपर की तरफ लेके जाओगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, ज़्यादा नहीं बट आपके हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे। आपको इसको यहाँ पे रखना है, इसको बड़ा कर लेना है आपको थोड़ा सा। और आपकी गन चेंज करने वाले को यहाँ पे रखोगे, जो गन चेंज होती है, और इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे साइड पे, इसको आप साइड पे रख दोगे यहाँ पे। और इस ड्राइव वाले बटन को और गेट इन को यहाँ पे, और ओपन वाला आप यहीं पे पास में रख सकते हो अपने फायरिंग बटन के पास। और किन डाउन के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, जो किन डाउन वाला बटन है। और जंप वाले को आप यहीं पे रखोगे इसके पास में, और एग्जिट वाला आपको गेट इन की और ड्राइव के पास लेके जाना है। और जो स्कोप वाला है, उसको आप जो स्कोप बटन है जिसे आप स्कोप चेंज करते हो, उसको आप अपने हिसाब से रखना होगा। इसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं तो आपको अच्छा लगे। और जो गन चेंज होते हैं, हमारे पास टू गन होते हैं राइट गेम में, तो आप इसको यहाँ पे रखोगे, जो आपको आसानी होगी गन चेंज करने में जब एनिमी सामने होगी। तो चलिए दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं इसको कि ये जो सेटिंग कैसे है हमारे लिए। हमने सेव कर लिया है और एग्जिट करेंगे, और फिर दोबारा गेम में वापस जाएंगे और कहीं से भी एक गन उठा लेते हैं।
AR उठानी है आपको। ये तो कार उठ गई। वॉली कलेक्ट कर लेंगे यार, एमओ कलेक्ट करनी है आपको अभी। और स्कोप आपको रेड डॉट उठाना है। और अभी ट्राई करते हैं हम। ये भी अभी तो ठीक है। और स्वैपिंग ट्राई करते हैं अभी। चलिए हमको स्कोप उठाना पड़ेगा। हम फिर से उठाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये मेरे लिए तो अच्छा लग रहा है, बट आपको चेक करते रहना है। तो चलिए दोस्तों, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए इस सेटिंग्स को, आप ये अच्छी लगी और या नहीं, बट मेरे लिए ये बहुत कंफर्टेबल है। कंटिन्यू करते हैं, इसको रीलोड कर लेते हैं। कर दिया ये। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए ये सेटिंग आपके लिए कैसे रही। और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए इस सेटिंग्स के बारे में। थैंक्स।